अस्सलामुअलैकुम। सिक्स क्लास हम चलते हैं आज अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जिसमें वो कह रहा है, क्वेश्चन को देखें, वो क्या कह रहा है, व्हाट आर कॉन्करेंट लाइन्स। इसमें कौन सी कॉन्करेंट लाइन्स हैं फिगर में आपने बतानी है। मैंने आपको जैसे डेफिनेशन में समझा दिया था कि कॉन्करेंट लाइन्स वो वाली लाइन्स हैं जो किसी पॉइंट पे आपस में कट करती हैं। तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि किस पॉइंट पे जो लाइन्स कट कर रही हैं। उसने नीचे बताया है कि आप पॉइंट ओ वाली बताएं और उसके बाद पॉइंट ए वाली बताएं। तो पहले हम चलते हैं पॉइंट ओ की तरफ। पॉइंट ओ बिल्कुल सेंटर में है, आप देखते हैं इस पर कौन कौन सी लाइन कट कर रही हैं। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है लाइन ई एफ जो बिल्कुल सेंटर में है, सीधी लाइन। उसके बाद लाइन जी एच जो ऊपर से नीचे आ रही थी। उसके बाद लाइन ए सी और बी डी जो कि तिरछी आ रही हैं, सीधी लाइनें नहीं हैं, जो स्ट्रेट लाइन की बजाय जो है वो दूसरी लाइनें हैं, वो तिरछी आ रही है नीचे। उसके बाद है अगली पॉइंट, दूसरा पार्ट है जिसमें वो कह रहा है पॉइंट ए पर कौन कौन सी लाइनें कॉन्करेंट हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं पॉइंट ए नीचे कोने में बना हुआ है, एक सीधी लाइन है ए बी, उसके बाद एक लाइन ऊपर से नीचे आ रही है ए डी, और एक तिरछी लाइन इधर में भी है जिसका नाम है ए सी। उसके बाद है अगला, ये क्वेश्चन आपका इधर ही ख़त्म हो जाता है। कॉन्करेंट लाइंस की डेफिनेशन अपने जेहन में रखें जो एक पॉइंट पे आपस में मिलती हों। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है, वो कह रहा है हाउ मेनी पॉइंट्स ऑफ कॉन्करेंसी डू यू फाउंड इन द फिगर बिलो। ये क्वेश्चन नंबर 11 है। उसने डायग्राम बनाकर दिया है। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी कहते हैं जिस पर कुछ लाइनें आपस में, दो या दो से ज़्यादा लाइनें आपस में मिलती हैं। पॉइंट्स उसने नहीं दिए, पॉइंट्स हमने खुद अपनी आसानी के लिए लगाए हैं, फैसिलिटी के लिए, ताकि हम गिन सकें। तो सबसे पहले हमने ऊपर देखा एक पॉइंट जहाँ पर लाइनें मिलिंग थी, उसको हमने पॉइंट ए कह दिया। फिर नीचे कोनों पर दो पॉइंट हैं जिनको हमने बी और सी का नाम दिया है। इसके बाद बिल्कुल नीचे वाली लाइन के सेंटर में पॉइंट डी है, और फिर साइडों पर दो पॉइंट ई और एफ है, और फिर बिल्कुल ट्राइंगल के सेंटर में एक पॉइंट बन रहा है जहाँ दो लाइनें मिलिंग हैं, वो है पॉइंट जी। इस तरह से अगर आप इनको गिने, 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स ये बन रहे हैं, तो आपका आंसर आएगा 7, यानी कि 7 पॉइंट्स ऑफ कॉन्करेंसी हैं इस फिगर में। तो ये आपकी एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई है, एक्सरसाइज 10। क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपका वो स्किप है, क्वेश्चन 12 आपने नहीं करना। अब बस आपके एमसीक्यूज रह गए हैं जो कल हो जाएंगे, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है ना अपना वो नोट्स कंप्लीट कर लें, ताकि हम इजीली रिवीजन को शुरू कर सकें। अल्लाह हाफिज़।